अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ देखे जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। और रात में भी बर्तन नहीं धोए थे मैंने, ऐसे ही पड़े हुए। सो अभी बस मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बना रहा हूँ, बच्चों का लंच तैयार कर लें फटाफट से। अच्छा, मैंने कल जो आपके साथ शेयर किया था लास्ट ब्लॉग में, मैंने ये मैरिनेशन तैयार की हुई थी, तो बस इसकी फिलिंग कर लेंगे। और ये हमारे दो रेडी है, लाइक ई सेट करके जो बनती है, लाइक पी सेट होती है, उसी तरह बना रही थी मैं। बच्चों के पराठे वगैरह बन सकते, तो उसको किसी भी शेप में बना के बच्चों को दे सकते हैं, साथ में पराठे बनाने हैं नाश्ते के लिए। चलो जल्दी से बनाते हैं बच्चे। सो लाइक दिस मैंने इसको फिल कर लिया है, ठीक है। किसी भी शेप में बना सकते हैं, पॉकेट की तरह मैरिनेशन को आप इस तरह से पराठा बनाएं, उसको फिल करें, स्क्वायर में बनाएं या किसी भी शेप में बना लें या हाफ मून की शेप में बना लें। तो इस तरह से बना के उसको हम बना लेंगे और इजी पीसी से हमारा जो है बच्चों का लंच वक्त तैयार हो जाता है। साथ में चाय तैयार है, पराठे भी बना लिए मैंने नाश्ते के लिए। तो जी, बैक एट होम। और यहाँ पर क्या रह गया है कि सुबह के बर्तन रात के बर्तन मिक्स हो गए हैं, उन सबको वॉश करना, ठीक है, और खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, स्टोव थोड़ा सा क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी लग रहा है। और रूम की हालत दिखाती हूँ, भी बच्चों ने आके कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये देखें, सुबह की सब चीज़ें ऐसे ही हैं पड़ी हुई, अब पर्स वगैरह फेंक दिए हैं, यूनिफॉर्म्स सब कुछ। सो इन सबको भी समेटना है, तो वो भी समेटते हैं सब। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अभी बच्चे सो रहे हैं, और मैंने क्या करना है कि बर्तन वॉश करने दोपहर के, और मैं खाना बना लेती हूँ। चिकन हमारा ओपन हो चुका है, सही है, और आलू चिकन का शोरबा बनाऊंगी, क्योंकि जो है ना मौसम चेंज की वजह से बच्चों के गले ख़राब हुए हैं, तो मैं वो बना रही हूँ। पहले बर्तन धोते हैं, आके भी बहुत सारा काम करना पड़ा, बर्तन वगैरह वॉश किए, और अभी फिर करते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम निकल चुके थे, हमारी सैलरी आ गई थी, सो आई और बस वहाँ से गायब हो गई, समझो यही वाला सीन होता है। और उसके बाद हम जो है ना बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, लेनी क्या थी, ग्रॉसरी मींस के सुबह के नाश्ते के लिए चीज़ें लेनी थी, जो ब्रेड वगैरह लेनी थी, तो वो भी नहीं मिली थी। तो बस ये वापसी जाते हुए की कुछ क्लिपिंग मैंने रिकॉर्ड की थी, वो है। सो यहाँ पर जो है ना फिर हमने ना एक नई जगह का कुछ ट्राई किया, जो कि आगे आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, नियर टू मलिर हॉल के एरिया में ही, ठीक है, आसपास में अगर आपको नजर आए। अच्छा, उसकी मैं बात करूँ अगर, तो जिंगर बर्गर था और फ्राइज और साथ में क्लब सैंडविच और साथ में रोल था। उसके जिंगर की बोटी काफ़ी फ्रेश लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी, मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज था। लेकिन जिंगर की जो क्रंच था ना, वो बहुत फ्रेश था, वो बहुत अच्छा था, तो बच्चों के लिए लेकर आ गए थे यहाँ पर हम, ठीक है। कितना अच्छा मेरा नेल कलर आ रहा है। सो अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ना इस कैसा है। वाओ, इट लुक्स सो यम्मी। आई जस्ट ओपन इट। यम्मी है। इसको ओपन करें, हाउ इज इट? खा ले मम्मा। यू कैन ईट इट। आई एम री वाचिंग अ ड्रामा। वेरी अच्छा, जूसी लग रहा है, गुड। देखने में फ्रेश लग रही ना बोटी, चेक तो करें जरा। आप अपना बर्गर खाओ। मैं भी चेक करा है, मुझे भी और अच्छा लगता है। अच्छा है, एवरेज। मैनू भी